और जयपुर पंजाब मंडल की बात करें तो जनजागृति का काम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने, है ना। अर्जुन लाल सेठी ने किसकी स्थापना करी थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। और किसकी करी थी, है ना, कब करी थी? 1900। और जैन शिक्षा समिति की 1905 में करी थी, ठीक है। इसके बाद कथन क्या है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर निकालेगा, है ना। अब 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने करी है? जमनालाल बजाज ने करी है, ठीक है साहब। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ है? 1936-37 में हुआ है। इधर स्थापनाकर्ता या प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। और इसके बाद आपसे पूछ लेता है समर्थक कौन कौन है, हीरालाल जी, है ना, और हंसडी राय, बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी। अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? महामंत्री किसको, और संयुक्त मंत्री किसको? कर्पूर चंद्र पाटनी जी को चुना गया, है ना। इसके बाद फिर जयपुर सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया, संस्था घोषित कर दी अवैध। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, है ना, तो इनको निष्कासित कर दिया, जमनालाल बजाज को। और निष्कासित करने के बाद में इन्होंने क्या किया, 1938 में जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन का अध्यक्ष बना और जमनालाल बजाज, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा मैंने वो मुख्यालय वाली, हाँ ये रही, जयपुर प्रजामंडल का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया? आगरा में स्थानांतरित कर दिया। फिर पुनः जमनालाल बजाज जयपुर आए और सरकार ने उनको क्या कर लिया, कैद। किस किस को कर लिया? हीरालाल शास्त्री और बाबा हरीश चंद्र को, ठीक साहब। इसके बाद फिर आ गया जयपुर सरकार का विरोध करने वाली कौन सी स्त्री थी, इनको भी क्या कर लिया, कैद कर लिया। 1940 में क्या किया, जयपुर सरकार व जयपुर प्रजामंडल के मध्य समझौता हो गया और इसको वैध घोषित कर दिया गया, किसको, जयपुर प्रजामंडल को, ठीक साहब। इसके बाद फिर 1942 में जनरललाल बजाज की क्या हो जाती है, मृत्यु। और 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, उसमें कौन था, हीरालाल शास्त्री, और जयपुर का प्रधानमंत्री कौन था, है ना। इसके बाद फिर अपनी बात हुई है 1942 में आजाद मोर्चे का गठन हो गया है, हंसडी राय जो थे और बाबा हरिश्चंद्र थे, दौलतमल भंडारी थे, रामकरण जोशी थे, हीरालाल शास्त्री के समझौते से क्या नहीं थे, वो खुश नहीं थे, इस वजह से इन्होंने ये किया। तो फिर आजाद मोर्चे की स्थापना कर दी। और 1944 ईस्वी में क्या हुआ, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन करती है, जानकी देवी बजाज, है ना। किसकी पत्नी थी ये, जमनालाल बजाज जी की पत्नी थी, जमनालाल बजाज क्या थी, पत्नी, ठीक है सर। के बाद फिर 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जयपुर आकर के सरकार व प्रजामंडल के मध्य क्या करा दिया, समझौता करा दिया। 1946 में क्या हुआ, के एम मुंशी जी ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। और फिर 1947 में नरेंद्र मंडल सभा में महाराजा मानसिंह सेकंड ने क्या कर दिया, भारतीय संघ में मिलना स्वीकार कर दिया, ठीक है साहब। इसके बाद फिर कौन सा प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रवर्तक कौन है, अध्यक्ष कौन है, सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां, महामंत्री माणिकलाल वर्मा, समर्थनकर्ता में हीरालाल कोठारी और भवानी शंकर वैद्य और गंगाबाई नाथ द्वारा से, है ना। राजा कौन था उस टाइम पे, राजस्व मंत्री कौन था, मिस्टर ट्रेंच। प्रधानमंत्री कौन था, धर्मनारायण। धर्मनारायण ने क्या किया, मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित करवा दिया। इसके बाद सभा भी नहीं होगी और समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होगी और ना ही कोई घोषणाएं होंगी। अच्छा, आपसे पूछ लेता है कि आंदोलन का प्रमुख स्थान कौन सा रहा, तो नाथ द्वारा रहा है, है ना। माणिकलाल वर्मा गांधी जी से मिलते हैं, मिलने के बाद में इन्होंने कहा कि मुख्यालय को स्थानांतरित कर दो, और मुख्यालय कहाँ ले आए, अजमेर ले आए। इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया, मेवाड़ में वर्तमान शासन, इसमें राजा की आलोचना की है। इधर से 39 में क्या किया, माणिकलाल वर्मा को 2 वर्ष की क्या सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद में इसको कुछ समय बाद रिहा कर दिया, और रिहा करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, प्रथम अधिवेशन किया। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसमें कहां पर हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहां पर हुआ, शाहपुरा हवेली में। भाग लिया आचार्य कृपलानी जी ने और विजयलक्ष्मी पंडित ने, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के नेतृत्वकर्ताओं को क्या कर लिया, कैद कर लिया, और कैद करके इनको माणिकलाल वर्मा जी को कहाँ पहुँचा दिया, और भूरेलाल बया को
सारड़ा जेल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी की सजा कहा जाता है। औरतों में बात करें तो नारायणी देवी वर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनकी पुत्री थी सुशीला देवी वर्मा और एक थी भगवती देवी बिश्नोई, इन्होंने इनका नेतृत्व किया है। और गंगा देवी नाथ द्वारा से थी, तो मुख्य स्थान भी मैंने आपको बताया कहाँ पर रहा है, नाथ द्वारा ही रहा है मेवाड़ प्रजामंडल का, है ना। इधर से 1945 में किसकी स्थापना हो गई? उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। 1946 में क्या हुआ? महाराजा ने संविधान निर्मात सभा का गठन कर दिया और 23 मई 1947 को मेवाड़ में संविधान सभा का क्या कर लेते हैं, संविधान को लागू कर दिया। किसने किया? के एम मुंशी साहब ने, है ना, याद रखना है। फिर मेवाड़ का क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है, धन्यवाद।